नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में 2 जिलों से भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं, तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा, दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जुड़ो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विज्ञापन जारी किया काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और दोस्तों आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर आप लोगों का सीधा भर्ती किया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 25 अगस्त 2022 से लेके 8 सितंबर 2022 तक काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के पते पर डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी से किया हुआ होना चाहिए। ग्रामीण चिकित्सा सहायक के 4 पद पर भर्ती किया जाएगा, स्टाफ नर्स के टोटल 16 पद पर भर्ती किया जाना है, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास, इसी के साथ BSc नर्सिंग से किया हुआ होना चाहिए और साथ में GNM कोर्स पास होना चाहिए। नेत्र सहायक अधिकारी के टोटल 10 पद पर भर्ती किया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास, इसी के साथ डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के टोटल 5-5 पद पर भर्ती किया जाएगा, NM के 8 पद पर भर्ती किया जाएगा। NM के लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12वीं पास, इसी के साथ NM कोर्स किया हुआ होना चाहिए। टोटल दोस्तों जो भर्ती किया जाएगा 50 पदों पर भर्ती किया जाना है। और दोस्तों आप लोग नियम एवं शर्तें यहाँ पर देख सकते हो, जो आप लोगों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 पढ़ सकते हो, आप लोगों का जो चयन है किस प्रकार से किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक का 70% अंक, अगर आप लोगों को अनुभव है तो प्रतिवर्ष आप लोगों को 2 अंक के अनुसार 10 अंक दिया जाएगा और साक्षात्कार में 20 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का चयन किया जाएगा। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 64 वर्ष। और दोस्तों इसी विज्ञापन के नीचे जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो संलग्न है, अटैच है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करें। दूसरा विज्ञापन जारी किया गया है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। आप लोग यहां पर देख सकते हो, स्कूल का यहां पर नाम दिया गया है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गुंटूर और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंदेड़ में भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था दोस्तों, फाइनली साक्षात्कार के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और आप लोग यहाँ पर साक्षात्कार आप लोगों से कब लिया जाएगा, आप लोग यहाँ देख सकते हो 2 सितंबर 2022 को कंप्यूटर शिक्षक के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य शिक्षकों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा 3 सितंबर 2022 को प्रतिदिन 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में आयोजित किया जाएगा। और बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, अभिलेख सत्यापन साक्षात्कार कौशल परीक्षा हेतु आवश्यक यहाँ पर निर्देश दिया गया है। दोस्तों जिस दिन आप लोगों का साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, आप लोग यहां पर देख सकते हो पॉइंट नंबर 3 पढ़ सकते हो, कौन कौन सा दस्तावेज डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर उपस्थित होना है, यहां पर डिटेल से बताया गया है। दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएँ। और अगर आप लोग साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो पाते हो तो आप लोगों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो साक्षात्कार सूची में आप लोगों का नाम है या नहीं, जो भी इच्छुक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था इन विभिन्न पदों के लिए तो उनका सूची यहां पर दिया गया है। यहां पर दोस्तों अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, उसी के बाद यहां पर अन्य जानकारी दिया गया है। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने आवेदन किया था उनका सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर नाम दिया गया है, आप लोग यहाँ पर डिटेल से विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन विज्ञापनों से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों विज्ञापनों का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर डिटेल से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो।
और इन विज्ञापनों से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।